पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तपः पितृप्रतिमा प्रियन्ते सर्वदेवता। फूल खिलाए जाओ आंसू किसी के लेके खुशियाँ लुटाए जाओ। दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जाओ आंसू किसी के लेके खुशियाँ लुटाए जाओ। दुनिया में आया है तू छोटी सी जिंदगी है ऐसे गुजार दे अपनी बिगाड़ के भी किसी की सवार दे जो हो पराया उसे अपना बनाए जा आंसू किसी के लेके खुशियाँ लुटाए जा। दुनिया में आया है तू कुमार। कुमार हूँ क्या, कहाँ खो गए? दूर सपनों की दुनिया में जहाँ रेशमी रातों में शहनाई की धुन बराबर इसी तरह गूंजती है। जनाब आप तो अच्छी खासी शायरी फरमाने लगी। सोबत का असर है प्रभा, वरना बंदा किस काबिल है। अच्छा तुम्हें बताओ क्या ऐसा समंदर का किनारा हो, रुपैली तन्हाई हो और पास में आप जैसी हसीन महबूबा हो। कुमार एक बात पूछूं? इरशाद, क्या हर एक की जिंदगी में वो दिन आता है जब शहनाइयां बजे? हर एक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपकी जिंदगी में ये मुबारक दिन जरूर आएगा। अच्छा जनाब को मेरी जिंदगी के बारे में क्या पता? अजय खाकसार से बेहतर और कौन जा सकता है। जानती हो प्रभा मेरे मन में क्या क्या अरमान है? क्या क्या? पढ़ाई के बाद मैं गांव चला जाऊंगा और फिर बाबूजी के सारे बोझ अपने सर पर उठा लूंगा। और माँ का बोझ? माँ का बोझ? माँ की लाडली बहू संभालेगी। क्यों ए संभालोगी ना? जी जान से। नीलू कुमार की चिट्ठी आई है। लिखता है कि हम लोगों को मिलजुल कर खेती करनी चाहिए। जय बजरंग, तब तो बद्री भैया किसी से उधार मांगने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे ही मजे। दो हाथ जमीन है ना, इसीलिए घर बैठे ही मजे से। अरे जिसकी 50 बीघे जमीन है उसके दिल से पूछो, मिलजुल के खेती करनी चाहिए। कुमार का तो सिर फिरा हुआ। कुमार का सिर फिर गया? जी हाँ सिर फिरा है तुम्हारा। मेरा? तुम तो हो गए पागल, तुम गधे हो। मैं गधा हूँ? बद्री भैया आप बड़े हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन दिखा दूंगा। तुम गधे हो? चुप रहो। अच्छा, मैं दिखा दूंगा एक दिन सबको कौन गधा है। ऐसा पागल जल्दी खबा हो जाता है। अरुण किसे ढूंढ रहे हो? वो मेरी बकरी है ना। बकरी? हाँ सनातन भैया वो बकरी भाग आई है, मैं उसी को ढूंढ रहा। बकरी मंदिर में? वो सुनो बगिया में तुम्हें पुकार रही है, जाओ जल्दी जाओ। अच्छा साथ में भैया। अरुण
चामली में धीरे धीरे बोल मेरे पायल के घुंघरू चम चम का राज जानी में मुझे उसपे है नाज कोई जाने ना धीरे धीरे भूल मेरे पायल के घुंघरू चम चम का राज कोई जाने ना धीरे धीरे भूल मेरे पायल के घुंघरू चम चम का राज कोई जाने मजा चखा था। सबने चरक के बात करो, देखते नहीं हम इस वक्त राजकुमारी संयुक्ता बनकर घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। राजकुमारी संयुक्ता क्या मतलब? अरे पुत्थू, उस रोज तुम्हें तो पृथ्वीराज और सविता की कहानी सुनाई थी। लेकिन तुम्हारा पृथ्वीराज कौन है? ना बाबा, अपना कोई पृथ्वीराज नहीं। राजकुमारी जी ने मुझे मारा क्यों? उनकी खुशी। उनकी खुशी? और अब हम अपनी खुशी बताएं? बताओ। उठा, उठा, चल। अरे क्या कर रहे हो? उठा, उठा। अब बात क्यों? बात क्यों? दिन में क्या सपने देख रहे हो? सपना नहीं, हवाई जहाज देख रहा था। हाँ, अब तो तुम हवाई जहाज ही देखोगे। क्या मतलब? विलायत जो जाना है। विलायत? हम्म। वो किस लिए?
पूरे के लिए। यहाँ की पढ़ाई के लिए बाबूजी को न जाने कितनी तकलीफ हुई, और तुम? लेकिन मेरे बाबूजी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि समझे। कुछ कहा ही नहीं तो समझो क्या? सब कुछ कहना पड़ेगा क्या? कुमार जी, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर लाया। क्या है पिताजी? वो तुम्हारे प्रोफेसर है ना, क्या नाम है उनका? शर्मा। शर्मा जी, आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि कुमार जैसे स्टूडेंट को तो ब्लैक जाना चाहिए। और जानते हो मैंने क्या फैसला किया है? मैं तुम्हें ब्लैक भेजूंगा जी। हाँ, यही बात मैं प्रभा से कह रहा था। क्यों प्रभा? आप मुझे इतना चाहते हैं, यही काफी है मेरे लिए। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ? लो, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे कहने का मतलब यह है कुमार, अगर आज तुम्हारी जगह मेरा अपना बेटा होता तो क्या मैं? ये तो मैं जानता हूँ पिताजी, मगर मगर अगर कुछ नहीं, तुम्हें ब्लैक जाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, गुड। लेकिन पिताजी, मेरी एक कर्ज है। बोलो। मुझ पर आप जितना खर्च करेंगे वो कर्ज रहेगा। मंजूर। और वो कर्ज तुम्हारी और प्रभा की शादी पर वसूल हो जाएगा। क्यों प्रभा? मेरी क्या ये बातें तुमसे पूछने लगा? ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या? स्वेटर? हाँ, मैंने अपने हाथों से बुना है। अच्छा? सोचा था जिस दिन तुम्हें बिना शक्कर की चाय मिलने लगी उसे दे दूँगी। पसंद है ना? क्या स्वेटर? क्या हाथ बच रहे? बस नहीं तो। कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है। रात जब पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं यही सोचती रही कि आज तो मैं जल्दी नहीं जाने दूंगी, बातें करूंगी, बहुत सी बातें, ये कहूंगी, वो कहूंगी। क्या कहूं, सब कुछ तो भूल गई। बिल्कुल ऐसा होता है। हुँ? ऐसा ही होता है। तुम्हें कैसे मालूम? एक किताब में पढ़ा था। क्या? यही कि जब तो प्यार भरे दिल बिछड़ते हैं तो भूली हुई बातें याद आती हैं, और जब मिलते हैं तो याद आई हुई बातें भूल जाती हैं। तुम यार गुनगुना रहे हो? तुम्हारी आंखों में रोशनी, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट, तुम्हें जरूर कुछ हो गया है, जरूर कुछ हो। हाँ, तुम्हें इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई है, लव हो गया है तुम्हें। भाई साहब, शादी का बंदोबस्त कर लिया ना? तो मिलाओ। मेरी? तू मेरा दोस्त है का दुश्मन है? मेरी शादी, मैं आजकल के जमाने में हर की शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है। बीवी आगे आगे चलती है, मियाँ पीछे सुख 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 कर जाता है। तो क्या मुझे भी सुख सुख करना पड़ेगा? जरूर करना पड़ेगा मेरे भाई, कर ले, तेरे भी 5 लाख रुपए हो जाएंगे। अच्छा सुन, मैं कह रहा था कि शादी के दिन एक फर्स्ट क्लास डिनर बनता है, डिनर चलेगा ना? नहीं तो तू वो सोडा लेमन और आइसक्रीम में मामला पता देगा, वो नहीं चलेगा। आइसक्रीम खिलाएगा नहीं? सही होगा प्यारे, सही होगा। शांति, शांति। तू घर पर तो उठा रखा है, चली गई है, अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी? कहाँ गई है? वो आ गई। शांति, कहाँ गई थी तू? मैं पूछता हूँ किधर गई थी? मैं जाता तू उधर गई। देख, मैं आज आखिरी बार कह देता हूँ, फिर तू उधर गई तो टारगेट तो रख दूंगा। ये नीलू को क्या हो गया? अब तुम्हें क्या बताऊं,
उस दिन गुस्से में तुमने ना जाने क्या क्या कह दिया है, तो देवर जी नाराज हो गए। उस टूटी हुई दीवार को पक्का कर रहे हैं ताकि हम लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? देखता हूँ। नीलू, नीलू मैं ये पूछता हूँ क्या हो रहा है? तुम कौन हो जी पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? मैं कहता हूँ मेरी जीवन में तुम ये दीवार नहीं खड़ी कर सकते। आप सुन लीजिए, ये कान खोल के कि मैं ये दीवार खड़ी करके तुम करके छोड़ोगे? देखता हूँ। बंद करो, ये सब बंद करो। भाई तुम क्या कर रहे हो बद्री भैया? मैं कहता हूँ ये ईंटों की दीवार इतने दिनों के प्रेम बंधनों को तोड़ सकेगी? मैं कहता हूँ मैं नहीं उठने दूंगा इस दीवार। मैं इसे उठा के छोड़ूंगा। गिराओ इस दीवार। नहीं गिराओ। क्यों नहीं गिराओ? नहीं गिराऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ बद्री भैया? छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ता। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी लीलू, बाबूजी मैं कहता हूँ ये दीवार को गिरवा दे। बाबूजी, अरे क्या देख रहे हैं, अंदर ले जाना। अरे कदे कहीं के इस दीवार को नहीं तोड़ूंगा। बेटा कुमार, जब पिताजी मरे थे तो मेरी उम्र भी तुम्हारी ही जितनी थी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन जायदाद देखने लग गया, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भाग्य भी मेरे ही जैसा होगा। मैं कहूँ चुप रहूँ ना? बाबूजी, बेटा अरुण तुम्हारी माँ का बड़ा लाडला बेटा है। मैं चाहता था कि इसको खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ और सही इंसान बनाऊँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए बाबूजी। आपकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मैं सौगंध खा के कहता हूँ बाबूजी, आज से अरुण की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसे पढ़ा लिखा के एक सही इंसान बनाऊंगा। आप चिंता न कीजिए। अरे ओ शांति की माँ, क्या मांगेगी तुम्हारा सजा ही हो तुम? मैं इसके ला रहा हूँ, उधर जाऊँ बीमार पड़ा है, जाके देखो। चलो चलो चलो। जाती क्यों नहीं? मेरे साथ बहस क्या करी? मैं देख के ले जाओ। तो क्या तू? तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम जाओ ना, मैं नहीं जाने वाला। जाओ, जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आ बेटी, नीलू कहाँ है रे? ताऊजी, वो शायद नहीं आएगा। डरता है कहीं मैं फिर उसे गधा न कहूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नीलू, नीलू भैया, मैं आ गया भैया। जो जी में आता है कह डालो, जितनी गालियां देनी है दे दो। अच्छे हो जाओ भैया। मैंने जो गधेपन में वो दीवार खड़ी की है उसे हम दोनों मिलकर तोड़ देंगे भैया। अच्छे हो जाओ भजन सुनाओ। बाबूजी, बाबूजी, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम अपना जीवन मिटा देना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने बारे में सब कुछ खुद ही तय कर लेने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई दूसरा भी तो है। उस दूसरे को मैंने कभी अपने आप से अलग नहीं समझा पड़ता। तो फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? एक फर्ज पूरा करने। मरते वक्त बाबूजी ने अरुण का हाथ मेरे हाथ में दिया था, उसे आदमी बनाने के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ रहने से तुम्हारा फर्ज अधूरा रह जाएगा? नहीं नहीं प्रभा, ये बात नहीं। मेरी जिंदगी उलझनों और मजबूरियों से भरी हुई है। तुम इसमें आके पछताओगे? कुमार, मैं तुम्हारे दुख बांटने आऊंगी,
तुम पर बोझ बने नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है प्रभा, अपने आप पर भी भरोसा है, लेकिन आने वाले वक्त पर भरोसा नहीं। कल हम छोड़ से थे, आने वाली जिंदगी कितनी अच्छी होगी, उसमें सुख होगा, खुशी होगी, लेकिन वक्त ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तुम मुझे गलत ना समझना। गलत मैं होती कौन हूं तुम्हें गलत समझने वाली? आज ही तो मैंने तुम्हें सही समझा। अपनी बात रखने के लिए तुम किसी की जिंदगी से खेल सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। तुम्हारा मैं समझ क्या? अगर संबंध नहीं होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू की बात है, पहुंच डालने दे। प्रभा, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहटों का सहारा चाहिए। जिंदगी पर करो ना देखकर मुस्कुराने को कहते हो कुमार? इससे अच्छा ही मुझे मार डालो, मेरा गला घुट दो। ऐसे हिम्मत हारने से जिंदगी नहीं कटेगी प्रभा, और फिर हर प्यार का अंजाम शादी तो नहीं है। इस दुनिया में जैसे फूल और भावरा है, वैसे चांद और चकोर भी तो है। प्यार दोनों जगह है, कहीं मिलन में, कहीं जुदाई में। बिछड़ कर जीना भी एक जिंदगी है प्रभा, मुझे भूल जाओ प्रभा, मुझे भूल जाओ। बिछड़ कर तो जी सकते हो कुमार, लेकिन लेकिन भूल कर नहीं जी पाऊंगी कुमार। मुझे क्या करना होगा कुछ तो बता जाओ। तुम्हें खुश रहना होगा, सुखी रहना होगा, इसी संतोष के सहारे मैं अपनी सौगंध पूरी कर सकूंगा। दुनिया में आया है तो फूल खिलाओ जा, आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाओ जा। दुनिया में आया है तू तो। आया था प्यार से तो जाना भी प्यार से, करना गिला ना कोई जाते बहार से। आया था प्यार से तो जाना भी प्यार से, करना गिला ना कोई जाते बहार से। जाती बहार से दिल पे जो बीती रही, दिल में छुपाए जा। आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जा। दुनिया में आया है तू। आइए पंडित जी, आइए। शांति। अरे ओ शांति। हाँ बेटी। पंडित जी ये है मेरी बेटी शांति, इसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते मेरे तो जूतों के तले तक गिर गए। बैठ बेटा, दिखा अपना हाथ, दिखाना ये नहीं दूसरा। अवश्य, अगर शादी न भी होने की होगी तो मेरे हाथ देखने के बाद 15 दिन में अवश्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओह, फिर टोक दिया ना। मैं शांति के लिए लड़का ढूंढने का यत्न कर रहा था, टोक दिया। जय शिव शंभू। देखिए पंडित जी, ओहो तू कहां जा रही है? पापा, मां ने कहा ना टोक दिया। बड़ी होशियार बनती है, चल दिखा हाथ। हाँ, ये मेष, ये वृष और ये कन्या। कन्या तो वो है पंडित जी, कोई नई बात बताइए। अवश्य। लड़का सुंदर होगा ना? ओहो, जब भी मैं बोलूं तुम जरूर टोक देना। तुम्हें सुंदरता की बड़ी है पंडित जी। लड़का खाते पीते घर का होगा? अवश्य होगा। शादी जल्दी होगी ना? अवश्य होगी। तो फिर आपकी दक्षिणा भी अवश्य मिलेगी। लीजिए चवन्नी। पंडित जी महंगाई के दिन दे दो ना। लीजिए ये चवन्नी। बस अब और बदमाइएगा। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।
हंसते क्या? निकाल देना। तुम ही निकाल लो ना। कमाल। अरे रुक, आज एक बड़ी मजे की बात हुई। हुई हो? जरा पूछ लो क्या हुआ। अच्छा बता क्या हुआ। आज मैं जाने सुबह से बाबा कहां से जोशी को ले आए और वो कहने लगा कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होगी। अरे अरुण तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे शक्ल देखने से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अच्छा तो बताओ उसने और क्या क्या कहा? बताओ 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 ना। उसने कहा कि तुम्हारा वर लंगड़ा होगा, लूला होगा, काला होगा। झूठ 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 सब झूठ। तो तुम ही बता दो ना सच क्या है। सच तो ये है कि उसने तुम्हारी शादी की बात की। तुम्हारा हाथ देखकर? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। सपने तुम्हारे हो, आंखें हमारी हो, सपने तुम्हारे हो। दुनिया में जब तक चांद सितारे हो, आंखें हमारी हो, सपने तुम्हारे हो। दुनिया में जब तक चांद सितारे हो, आंखें हमारी हो, सपने तुम्हारे हो। लाख जमाने के मौसम बदले ना तुम बदलो ना हम बदले। लाख जमाने के मौसम बदले ना तुम बदलो ना हम बदले ना हम बदले। एक दूसरे के हम साथ सहारे हो, आंखें हमारी हो, सपने तुम्हारे हो। दुनिया में जब तक चांद सितारे हो, आंखें हमारी हो, सपने तुम्हारे हो। भराए जादू न टूटे कोई हमारे ख्वाब न लूटे। सब कुछ दुनिया का कादर हमारे हो, आंखें हमारी हो,
सपने तुम्हारे दुनिया में जग है तक चांद सितारे हो आंखें हमारी हो सपने तुम्हारे हो। माँ जी, मास्टर बाबू ने कहा है कि अरुण भैया कुछ नहीं पढ़ते लिखते, अब ये चिट्ठी कुमार साहब के लिए दी है। ओह, अच्छा ये चिट्ठी मुझे दे दे, और देख कुमार से कुछ मत कहना। हाँ क्या मत कहना बाबू? कुछ नहीं बेटा। क्या छुपा दिए हो? दिखा दिखा ना। मैं जानता हूं अरुण तुम्हें बहुत प्यारा है, वो मुझे भी बहुत प्यारा है, जान से भी ज्यादा, लेकिन लेकिन उसके दोष को छिपाने से वो और भी बिगड़ जाएगा, और फिर मैं बाबूजी को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूंगा। माँ कुछ खाने दो, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ भूख लगी है? चल मैं तेरी भूख मिटाता हूँ, अच्छी तरह मिटाता हूँ। चल चल मेरे पास। बाप ना बुरा मत मानना, ऐसे निकलने को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अब आ रही है। अरे छीछी क्या कर रहा है, कब्बे उड़ा रहा है क्या? आस्ते बोल शांति, आस्ते बोल। सुन क्या है? देख शांति, बड़े भैया ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, आज खाना पीना सब कुछ बंद, बहुत भूख लगी है शांति, कुछ खाना ले आना। खाना ले आना? अरे अच्छा है रे, एक दिन उपवास रखेगा ना तो पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, समझा? शांति अरुण का खाना कहाँ है? माँ तुमने अरुण का खाना नहीं परोसा? अब ले, तूने तो कहा था खाना मत देना। हाँ हाँ कहा तो था, दिल से थोड़े क्या था। भगवान करे रोज बड़े भैया मुझे इसी तरह कमरे में बंद कर दिया करें। भले करे, मैं तुझे रोज खाना वाना खिलाने वाली नहीं। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं जानता। क्या जानता है? अरे यही जानता हूँ कि तू रोज खाना ले आएगी और इसी तरह प्यार से खिलाएगी। प्यार से खिलाऊंगी, चले पहले ये तो खा। अब नहीं खाना, थोड़ा सा। अरे खाना। अरुण आ बाबा। अरुण आया खाना। अरुण आया बड़े भैया। दरवाजा खोल। अरे खोलता भैया। हजरत बहुत नाराज है, चल आज के लिए माफ कर दिया, खाना ठंडा हो रहा है। खाना भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया। क्यों? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आज माफ मत करो भैया, मैंने अपराध किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए भैया। मिलेगी मिलेगी, फेन करने पर और ज्यादा मिलेगी। भूख लगी? भूख मारे भूख की नहीं लगी। नहीं भैया नहीं, क्या मुझे साफ नजर आ रहा है कि भूख लगी और कहता है भूख नहीं लगी। चल चल बैठ। देखो माँ अपने सुपुत के ऐठना तो देखो, कहते खाऊंगा नहीं। सुना माँ मारे भूख की हिचकियाँ निकल रही है। क्यों नहीं खाएगा? अरे कैसे नहीं खाएगा, जरूर खाएगा, आज तो उसे मेरे हिस्से की खीर भी खानी पड़ेगी। चल भैया। अरे भैया बाद में। डॉक्टर विद योर माइंड व्हाट वुड हैपन टू यू फॉर एग्जांपल इफ यू वर केप्ट विद योर हेड अंडर वाटर फॉर सम टाइम। आई एम श्योर यू हैव फाउंड आउट आंसर टू द क्वेश्चन। नींद आ रही है। अरे हाँ ये चाय पी लो, सब नींद उतर गई।
रात भर पढ़ती हूँ। हॉस्टल में ना तुम्हें चाय मिलती है ना कॉफी। तुम कितना ख्याल रखती हो। परेशान मत कर शांति। अरे क्या हुआ? अभी तो अच्छा बना हंस रहा था। हंस रहा था इसलिए शायद अब रोना पड़ेगा। अरे वाह, हंसने के बाद रोना भी पड़ता है क्या? मैं तो कभी नहीं रोऊंगी। तू क्यों रोएगी? रोना तो शायद मुझे ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? मुझे शायद मार पड़ेगी। मार क्यों पड़ेगी भैया? शायद उफ़ शायद शायद से अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुझे अभी रोना पड़ेगा। ए बोलने क्या बात है? आज इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है। नतीजा? सही या जान निकली जा रही है? जान तो नहीं, हाँ लेकिन इम्तिहान का नतीजा जरूर निकल चुका है। कब? कल। तुझे कैसे मालूम? मैं दुकान पर सौदा लेने गई थी तो वहाँ डाकिया आया और उसने एक चिट्ठी बड़े भैया के हाथ में रखती। बस फिर क्या था, चिट्ठी पढ़ते ही बड़े भैया का मुंह गुस्से से एकदम लाल हो गया। लाल हो गया? हाँ, और उन्होंने फौरन रामू से कहा, रामू जरा लाना मेरी बेट और बुलाना अरुण को। बेट? और बेट लेकर वो तुम्हारी तरफ इस तरह दौड़े, इस तरह दौड़े जैसे अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देने वाले हैं। अरे वो तो शुक्र है मैं बीच में आ गई। मैंने कहा भैया जाने दो, बेचारा आपके फेल हो गया है, आते क्या आते साल पास हो जाएगा। मजाक कर रहा? अरे मारे माँ। छोटे भैया, छोटे भैया, तो है बड़े भैया बुलाए थे। जा, बुलावा आ गया। तुम चलो मैं आता हूँ और मार भी खाता हूँ। शांति तू भी चल। ना बाबा ना, दो भाइयों के बीच में मैं तो नहीं आती। अगर एक आध मुझे भी कहीं पड़ गई तो? अच्छी बात है, मैं ही जाता हूँ। और हाँ देखो, अगर ज्यादा पड़े तो मेरे पास चले आना, हल्दी चूर्ण लगा दूंगी। इधर आओ। जानते हो इम्तिहान का नतीजा निकला है? जी। क्या उम्मीद रखते हो? जी फेल। फेल? जी नहीं पास। पास? जी नहीं फेल। फेल? भैया इस बात को मुझे माफ कर दो, मैं आते के आते साल जरूर पास हो जाऊंगा। आते के आते साल? अब मेरा मतलब है कि अगले साल मैं जरूर पास हो जाऊंगा भैया। अरे बोलम, तू इसी साल पास हुआ है? जी हाँ, और वो भी पहले दर्जे में। मैं कल्याणी से धन्य हो। जामा, तू झटपट मिठाई का इंतजाम कर और सारे गांव को मुंह मीठा करा दे। हाँ कुमार मैं जाती हूँ। देख कर, तू इसे सिर्फ अपनी कामयाबी मत सोचना, इसमें इसमें बाबूजी के आशीष का फल है। शांति के बाप तोड़ दिया। शांति की माँ मैं पूछता हूँ, तुम्हें कब अकल आएगी? मैं बाहर जा रहा था और तुमने बीच में। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे घर पे आके खाना? मैं शांति के लिए लड़का देखने जा रहा था। हाँ, पास वाले गांव में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बात पक्की हो गई फिर देखना। तू घड़ी घड़ी यहाँ क्या सुन रही है? चल अंदर और देख, मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर ना पीछे से आवाज लगाना बाबा मेरे लिए। नहीं तो रहे हैं। जरा पुकार ना और देख ऐसे बोलना, नीलू काका, नीलू काका, नीलू काका। वो तेरे गले क्या हो गया? नहीं पता क्या? नीलू काका। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हाँ और जैसे नीलू काका।
जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। बाबा गुस्से में है, जरा संभल के रहना, समझा? क्यों भे मुंह चले चिल्ला क्यों रहा है? मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? तेरा बाप तो मेरा दुश्मन था ही, तू के जन्म की दुश्मनी मुझसे ले रहा है। मैं शुभ काम पे जा रहा था, पीछे से बुला के निकल डाल दिया, अब काम तेरा क्या सर होगा? नीलू का था, मैं तो यही पूछना चाहता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। और ये तो तुम तब भी पूछ सकते थे जब मैं वापस लौट गया। मगर नीलू का शांति 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 का नाम नाज कुमार से ना तुझे पिटवाया तो मेरा नाम नहीं। अब मैं चल तो आगे बढ़ूंगा। पिछले का छोड़ो कुमार, लेकिन आज का उधार जरूर मैं चुकता कर रहा हूँ। कुमार ये देखिए अपने छोटे भाई की कसूर। अरे मैं शांति के लिए लड़का देखने पास वाले गांव जा रहा था, पीछे से टोक कर सब सत्यानाश कर दिया इसने। एक काम करो नीलू, दो पाँव आगे फिर दो पाँव पीछे चलो, फिर जाओ। सुबह सुबह और कोई काम नहीं मिल, चल पर जाके चल। करे कुछ समझते ही नहीं, अरे शुभ शुभ काम में बस टोक देते हैं पीछे। तुम शांति से बैठो, नहीं बता शांति से बैठो। तो, चल काका छोड़ो जी। अगर ओहो मेरी बात तो सुनो। अच्छा बता, तुम्हें शांति के लिए लड़का चाहिए ना? हाँ चाहिए ना। हाँ हाँ चाहिए। अच्छा काका फर्ज करो अरुण अपने आप को ही ढूंढ निकाले तो? अपने आप को? हाँ क्यों, लड़का पसंद नहीं? अरे अरुण जैसा अच्छा दामाद मिलेगा कहाँ। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। बद्री भैया सच कहते थे क्या कि मैं गधा? मैं सचमुच गधा हूँ। जय शिव शंभू। फिर लड़का ढूंढने नहीं जा रहे हो? तुम चुप रहो जी। अच्छा कुमार, कल नए साल का उत्सव है ना, वहाँ शांति और अरुण की शादी पक्की होने का ऐलान कर देंगे। जय शिव शंभू, जय बजरंगी, जय बजरंगी। तेरी चाल बुरा है दीवाने का हाल, ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे, ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे। छोड़ के मैंने गली मोहल्ला,
हुआ है जब से नजर का तीर तड़पता है तेरा दिलगीर ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे हे 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 तेरे जैसी कोई न देखी कली नजाकत वाली बड़ा नसीब वाला होगा तू किस कीमत वाली तेरे जैसी कोई न देखी कली नजाकत वाली बड़ा नसीब वाला होगा तू जिस कीमत वाली बड़ा नसीब वाला होगा तू जिस कीमत वाली पिया जब दिल ने मुझे मजबूर तो आई चल कर इतनी दूर ओ सैया जरा पगड़ी की छांव कर दे ओ सैया जरा पगड़ी की छांव कर दे रे खिली रहे मेरे दिल में तेरी मुस्कानों की कलियां मेरी जन्नत सैया तेरी तालाबों की कलियां खिली रहे मेरे दिल में तेरी मुस्कानों की कलियां मेरी जन्नत सैया तेरी तालाबों की कलियां मेरी जन्नत सैया तेरी तेरा दिल है तेरी जागीर इसमें तेरी ही तस्वीर ओ गोरी ज़्यादा ज़ुल्फ़ की छांव कर दे ओ गोरी ज़्यादा ज़ुल्फ़ की छांव कर दे बड़ी जोर की धूप चले इस धूप में मेरा रूप ओ सैया ज़रा पगड़ी की छांव कर दे ओ सैया ज़रा पगड़ी की छांव कर दे वो देखी जब से तेरी चाल बुरा है दीवाने का हाल ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे ओ गोरी जरा जुल्फों की छांव कर दे क्या अरुण को कल ही जाना होगा? हाँ माँ। मैं कहूँ दो चार दस दिन बाद जाए तो क्या हर्च है? पढ़ाई में हर्च होगा माँ, और फिर जब जाना है तो दो चार रोज पहले क्या दो चार रोज बाद क्या? मैं सोच रही थी कि उसके चले जाने से ये घर सूना हो जाएगा यही ना, लेकिन माँ उसका जीवन संवारने के लिए हमें ये सूनापन सहना ही पड़ेगा। खाना पीना अच्छी तरह मिलेगा ना वहाँ? हाँ माँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वहाँ हर चीज मिलेगी, नए नए दोस्त मिलेंगे, नई नई बातें सीखेगा, नई नई चीजें देखेगा। और माँ? माँ फिर वही बात है। कुमार ये स्वेटर तू कभी पहनता ही नहीं, और उनको दे दूँ? क्यों बेटा तुझे कुछ? माँ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अरुण को नहीं दे सकता? हाँ बेटा, तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? माँ तुम ये सब ठीक कर दो, मैं जरा शांति शांति, कल मैं बंबई जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। सुना है तब तो बड़ा मजा रहेगा ना? लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ शांति। अरे अरुण, अरुण सुना है बंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ ऊंचे ऊंचे मकान है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और जानते हैं अरुण वहाँ की लड़कियाँ इतनी ऊंची ऊंची एड़ी के जूते पहनकर खाट पाट करके चलती हैं, और अरुण
वहाँ की गाड़ियों को बैल नहीं खींचा करते, चलने से मोटर निकल जाती है और रात के वक्त एक बटन दबाने से हर जगह दिन हो जाता है। तू बंबई गई है क्या शांति? ये बातें तो मैंने जोगेश्वर काका से सुनी थी। बंबई जाना चाहती है? क्यों? बाबा कहते हैं कि लड़कियां परदेश नहीं जाया करती। झूठ कहते हैं तेरे बाबा। शांति, लड़कियां ही तो परदेश जाया करती हैं, और जब वो परदेश जाती हैं कभी लौट के नहीं आती, मगर जब लड़के परदेश जाते हैं तो फिर से लौट के आ जाते हैं। तो तुम लौट कर आओगे ना? जरूर आऊंगा। शांति, कितना अच्छा होता अगर तू भी मेरे साथ चलती। किस लिए? अपनी आंखों से बंबई देख लेती। तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखों से देख लूंगी। मेरी आंखों से? शांति, 3 महीने तक मिलना जुलना बंद रहेगा। अभी जाती हूँ। शांति, शांति ठहर। शांति, आते ही जुड़े में फूल लगा दूँ। मैं लगा लूंगी। नहीं नहीं, मैं लगाता। नहीं अरुण। अरे क्या अर्जर? ये तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ शांति। नहीं अरुण, नहीं मुझे जाने दो। अरुण, शांति, शांति, कहीं चोट तो नहीं लगी शांति? नहीं अरुण, मुझे जाने दो। शांति, ये क्या पागलपन है? पागलपन कैसा? तुम बॉम्बे जा रहे हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अरुण, मैं बहुत खुश हूँ। शांति, सुखी रहो बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह करना। हाँ, और देख, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अरुण, आज से तेरे जीवन का सफर शुरू होता है, और ये सफर उस दिन खत्म होगा जब मैं तुझे पढ़ने के लिए विलायत भेजूंगा। हवाई जहाज पर मेरा सपना सच करना। लोग दिन के उजाले में कालक चूना मलते हैं, राजा रानी बनते हैं, न जाने कितने ढोंग रचाते हैं चंदन के। इतनी पीता हूं कि सांस ले सकूं। अरे भाई, तुम सांस लेने की बात कर रहे हो, यहां सांस बंद हुआ जा रहा है। अब बोलो पारो, क्या इस दुनिया में सभी लोग सभी कुछ कर सकते हैं? अरे डिकड़ा, शू माटे दिलीप कुमार ने एक्टिंग करे, जरा आईना मत थोपड़ा तो जो थोपड़ा, बिल्कुल बंदर जो। बड़ी दिलीप जैसा बाल रखने से बड़ी दिलीप कुमार नहीं बनता। बड़ी पहला स्टडी करो फिर दिलीप बनो, समझा? स्टडी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, समझे? तो पछया, वर्जिश करो, सेहत बनाओ सेहत। भाइयों, मुझे इसके बाप से मिलना पड़ेगा। क्यों? ये पूछने के लिए कि तेरा जन्म किस लिए हुआ। खामोश, मैं हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। ये अपना पागल दोस्त स्टूडियो के बजाय कहीं पागल खाने नहीं चले जाए? अरे तुम्हें ठीक बोलो जो बिलास दा, या अगर सो जाए पागल खाने चले जाए। चांदू, चौक घुराएगा और भुरू नाचाएगा तो थोड़ा ही आर्टिस्ट बनेगा? आर्टिस्ट बनने के लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ता है। बुझे जो बिलास दा? बुझी थी, खूब बुझे थी। अरे तू बुझे छो, बुझे छो करे, टमाटो कुछ पर नहीं समझता, खाली बुकट का बंगाली बोल में मस्को मारे। ए पासीबा, नहीं ना कर, बेस्ता रहा, कोई ना कर, बड़ा आया है। बंधुगण, दोस्तों, मित्रों तथा फ्रेंड्स, नया स्टूडेंट होने में होने में विलास बाबू, कुमार साहब के छोटे भाई। कुमार का छोटा भाई? धनियो भगवान धनियो, तूने मेरी इच्छा पूरी की। कुमार का छोटा भाई आ गया। बड़ी क्या बात है, बहुत खुशहाल दिखाई देता है। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का क्लास फ्रेंड बनूं, यही मेरी इच्छा थी। आओ दोस्त, आओ आओ, वेलकम वेलकम टू अवर हॉस्टल, वेलकम। आप कुमार भैया के साथ पढ़ते थे? हाँ, कुमार भैया के साथ पढ़ता था, अब तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। इसमें हंसने की क्या बात है, दोस्ती निभाना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारे साथ तो क्या भैया, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई के साथ भी इसी कॉलेज में पढ़ूंगा। जी, मैं ही सबसे छोटा हूँ। अफसोस,
लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोष? हंसने की क्या बात है? कोई नहीं हंसा है, मिलो इनसे मिलो, बिरन भट्टाचार्य। है नमस्कार दादा। ए होएगे छे, होएगे छे दादा, होएगे छे। मिस्टर पेस्टन जी बाकी वाले से मिलिए। साहब जी, कुमार साहब, ए गवर्नर साहब। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। ये हमारे शिवदसानी साहब है। बड़ी साई, वेलकम टू द हॉस्टल। और हमारे हॉस्टल के पहलवान सिंह। की हाल है समझियो? चंगा है, चंगा हाल, चंगा बहुत चंगा है। अब मैं आपको इस हॉस्टल के कार्टून से मिलाता हूँ। जॉनी, जॉनी साहब से मिलिए। नो नो नो, मुझे डी कुमार कहते हैं। अरे तो दीवाना है, दीवाना। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का खुसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। हाँ, क्या है? ये देखो माँ, आज शाम की डाक में अरुण की चिट्ठी आई है। क्या चिट्ठी आई? हाँ। पर क्या लिखा है? लिखा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ तुम्हारे सपूत है कुछ सर फिरा। क्यों? क्यों क्या? लिखा है शहर में बिल्कुल जी नहीं लगता, तुम लोगों की याद बराबर आती है। लेकिन ये तो नहीं बताया उसका स्वास्थ्य कैसा है। उसके स्वास्थ्य वास्थ्य बिल्कुल ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। मैं क्या चिंता कर रही हूँ? अरे तुझसे किससे बात की? मैं तो माँ से बात कर रहा था। नहीं भैया, वो तो मैं देखा बेटा, अब उनके जाने के बाद से बेचारी कितनी बदल गई। हाँ माँ, जिससे प्रीत हो उससे बिछड़ कर ऐसा ही होता है। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई मुर्गी चोर, कोई पैसा चोर, अरे कोई मोटा चोर, कोई छोटा चोर। मैंने चोरी नहीं की। हम तुम्हारे गाँव के झूठ बोल सकते, लेकिन हम तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मिसेस डीसा। सुबह हो गई, सुबह हो गई। अरे मिसेस डीसा का बच्चा जाता क्या नहीं अनाड़ी यहाँ से? सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। जाली कर दी ना, कहना बेसी होगा चीज बाबा है, पड़ोसों का कुत्ते भी ना है। बड़ी तुम ठीक बोलता है, बड़ी हम अपने माँ को खत लिखता था, बड़ी बाप को लिख डाला, बड़ी किराज अच्छा जो मुंह लख लानत। मी लॉर्ड, ये आपकी मॉडर्न सोसाइटी की जिंदा तस्वीर जो अपने कलाकार को नड़ी के नाम से पुकारती है। ची 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 ची। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच हल्ली मिस्टेक आ गई। मिस्टर अरुण, ओ मिस्टर अरुण, ऊपर क्या देखता है? कहीं गर्दन बर्दन में लचक तो नहीं आ गई? ये बाटली वाले, ये ऊपर देख नहीं रहा है, सोच रहा है। भाई साहब, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं? मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर? अरे मनी ऑर्डर जिंदाबाद, चिट्ठी आना मुर्दाबाद, मेरा नाना जिंदाबाद। मनी भाई किधर साइन करने गया? इसलिए मनी के लिए। आपका नहीं, अरुण कुमार का है। अरे अरुण कुमार और हम दोनों एक पंछी डाल के हैं। मगर साइन अरुण कुमार का चाहिए। अरे तो वो भी आ जाता है। अरुण कुमार, लो अरुण कुमार आ गया। अरुण तुम साइन करो और मैं पैसे गिन लेता हूँ। लाओगे? लाभ का नहीं है साहब। अरे तुम कैसा आदमी है? अरे पैसा एक ऐसी चीज है कि आदमी देखते उसके मुंह में पानी आता है। गिन लीजिए सर। नहीं मैं गिन लूंगा। अरुण भैया, ये पैसे मैं अपने सूटकेस में रख लेता हूँ, तुम खर्चा कर दोगे। हाँ ये पैसा बड़ी सूटकेस में चोरी हो जाएगा, नहीं हम जेब में रखता ही नहीं। पॉकेट में सब पिक पॉकेट हो जाएगा, उल्टा सच्चा खजांची। ओ ये बात है, हो तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। निकल जाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। रोने की बात नहीं, यहाँ का जीवन ही ऐसा है, मांगने से मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। ये लो, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर आप अपने गांव चले जाइए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, यहाँ आने के बाद अपने ऊपर से मेरा विश्वास हट रहा है। चलेगा चलेगा। क्या चलेगा? सुनो, अपने पे विश्वास नहीं तो दूसरे पे विश्वास करो। अकल से काम नहीं चलता तो नकल से काम लो। नकल? हाँ, मेरे साथ शुरू शुरू में इन लोगों ने यही बर्ताव किया था। ये लोग पहले तुमको भी बुद्धू बनाते थे? ये लोग मुझे क्या बुद्धू बनाएंगे? अरे बुद्धू तो ऊपर वाले ने बना के नीचे भेज दिया। खैर छोड़ो इन बात को, आज
आज शाम को तुम मेरे साथ घूमने चलना। कहाँ? अरे बंबई का शहर देखेंगे। अरे तुम्हें ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा, ताजमहल होटल बाहर से देखेंगे, म्यूजियम अंदर जाके देखेंगे, उसके बाद तुम्हें चौपाटी ले जाऊंगा, वहां चाट खाएंगे। मेरे मुंह में पानी आता है यार, ऐसी मजेदार चाट बनते हैं वहाँ, और पैसे भी बहुत कम, एक एक आने में। कैसा राजा? ओके चलो ना यार, घबराते क्यों, हम लोग हमेशा इस होटल में आकर पानी सबसे अच्छा है क्या? अरे सब होटलों से पानी यहाँ अच्छा है, क्योंकि ये लोग कुएं का पानी रखते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ खाने का मामला है ना, बहुत बिल है, अगर हम लोग गलती से कुछ खाना मंगा भी लेना तो बर्तन साफ करते करते उम्र चले जाएगी बिल चुकाने के लिए। मैनेजर को हमारा सलाम बोलो। बोलो साहब आ गया, चिरियो, पानी से ही चिरियो। मैडम मैडम डिनर का बंदोबस्त हो गया। हेलो कल्पना देवी, हाउ आर यू? वेरी गुड वेरी गुड। ओ मीट माय फ्रेंड मिस्टर सेन। हाउ आर यू? बाप रे, यू मीट माय फ्रेंड अरुण कुमार। अगर इधर आना तो मिस्टर अरुण कुमार, कल्पना देवी। ओ हाउ डू डू, हाउ डू डू, ये सेन साहब है, सेन साहब अरुण कुमार। आइए ना, बैठिए ना, आइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पार्टी में जा रहे हैं? गुड, नहीं भाई मैं नहीं आता, कभी की मेरे भाई को जरा घुमाना है शहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल के फैंसी ड्रेस बॉल में अगर मिस्टर अरुण कुमार को इनवाइट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि उनको फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है, अगर ये भाई साहब को एक लोटा और कंबल जिसे इनके बाप दादा ने गांव से लेकर शहर में आए थे, मेरे ख्याल से इनको एक मेडल मिल जाएगा गोल्ड का। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आज हम आपके सामने बड़े फख्र से दो बेहतरीन डांसर पेश कर रहे हैं, मिस सुरेखा पंडित और मिस लक्ष्मी छाया। एक लड़की तो क्या मेरी जैसी, तो क्या राग रंग और बहार मांगती है। एक लड़की तो क्या मेरी जैसी, तो क्या केवल किसी का प्यार मांगती है। एक लड़की तो क्या मेरी जैसी, तो क्या राग रंग और बहार मांगती है। एक लड़की मेरी जैसी, तो क्या केवल किसी का प्यार मांगती है। एक छोड़ ले नीच जुल्म की भी दे, मुस्कुरा के छोड़ दे। अच्छा जिंदगी का हमने छोड़ ले नीच जुल्म की भी दे, मुस्कुरा के छोड़ दे। ये जुल्म की भी दे, मुस्कुरा के छोड़ दे। एक लड़की तो क्या मेरे जैसी, तो क्या उसमें इश्क और पहाड़ मांगती है। एक लड़की तो मेरे जैसी, तो क्या बेवर किसी का प्यार मांगती है। एक लड़की है।
लड़की ना कहो दूर जैसी ना क्या बेगरज किसी का प्यार मांगती है एक लड़की एक लड़की दो हो मीर जैसी दो क्या ये दुआर बार बार मांगती है एक लड़की दो क्या मीर जैसी दो क्या बेगरज किसी का प्यार मांगती है तो एक लड़की तो क्या मीर जैसी तो क्या रंग रंग और बहार मांगती है एक लड़की तो क्या नीर जैसी वो हो बेगरज किसी का प्यार मांगती है एक लड़की याला ये अरे वाह भाई वाह तुमने तो कमाल कर दिया यार तुम वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग अरे वहां लोग हंस हंस के लोट पोट हो गए सुंदरी भी हंस रही थी अरे वाह 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 उसकी हंसी तो बहुत ही तीखी थी तीखी ओ तो सुंदरी को अपनी सुंदरता का इतना घमंड है क्यों ना हो आखिर सुंदरी जो ठहरी मैं एक दिन यह घमंड तोड़ कर ही रहूं तू यार कमाल करते हो ये रोनी सूरत लेकर क्यों बनाता है यार अपने को ये घमंड का तो सिर्फ बहाना है बहाना बहाना हाँ सुंदरी की सुंदरता का जादू तुम पर चल चुका है कभी नहीं घबराओ मत सुनो लोग कहते हैं कि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं अंदर की सुंदरता ही असली होती है लेकिन ये बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ मैं कहता हूं कि औरतों की निगाह में बैठने के लिए मर्दों को बाहरी दिखावे की जरूरत पड़ती है मैं नहीं समझा तुम सुंदरी का घमंड तोड़ना चाहते हो ना तुम ये चाहते हो कि सुंदरी तुम्हें चाहने लगे भाई साहब एक मिनट में समझा देता हूं कागज पेंसिल ये देखिए साहब अभी आप ये हैं और आपको ये बनना पड़ेगा मैं ये हूं आप और ये बनना पड़ेगा मैंने कोट पहना है हाँ पहना है पतलून भी हाँ डेफिनेटली पतलून भी पहनी है मैं सिगरेट भी पी रहा हूं बड़ी ठाट से मगर ये सब के लिए तो रुपया चाहिए हाँ साहब रुपया तो चाहिए आप रुपए का बंदोबस्त कीजिए और मैं आपको आदमी बनाने का बंदोबस्त करता हूँ मुझको याद अरे रे बोरा बोर चाचा सुनो सुनो मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना सब सो गए कमाल है भाई लोग नींद नहीं मारते सो जा राजकुमारी सो जा लेकिन अरुण तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी है अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊ माँ इतने बड़े शहर में पैसों के बगैर गुजारा ही नहीं है वहां अगर अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनो तो लोग बाग हंसी मजाक करते हैं बुद्धू बनाते हैं और देखो ना माँ देखो मैं कितना दुबला हो गया हॉस्टल में तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और भैया जो कुछ भेजते हैं उससे पूरा नहीं पड़ता है माँ लेकिन बेटा कुमार तो इस वक्त मंदिर गया है मेरे पास भी तो कुछ माँ तू ठहर मैं अभी आई अच्छी बात है माँ अरे तुम्हारे मुझसे मिले भी नहीं बोल गया
क्या सोचते हैं जानते हो। बंबई जाते वक्त जब मैंने तुमसे कहा था मैं बहुत खुश हूं, वो झूठ था। और जाते समय जब तुम्हारी आंखें मुझे छू रही थी मैंने वो भी देखा था, पर मैं बाहर नहीं आ सकी। क्यों? बहुत रोकने पर भी आंसू रोक ना पाई, और अगर फीकी हुई आंखें लें तुम्हें विदा देने आती तो जगह सही होती। और तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद मैं ये गाँव कितना सुना लगता था। लाख जमाने के मौसम बदले ना तुम बदलो ना हम बदले। कितने बदल गए हो तुम अरुण, मेरी छोटी सी भूल के लिए इतने नाराज हो, बात भी नहीं करोगे मुझसे। शांति, हेलो शांति, तुम्हें काका बुला रहे हैं। जाती हूँ, लेकिन अरुण सनातन भैया की मैं तुम्हारी राह देखूंगी। शांति, अरुण जरूर आना। हेलो शांति, सात छह और सात पांच, पांच और सात नौ, नौ और आइए सूटेड फूटेड जेंटलमैन आइए। नॉनसेंस, तुम या मैं? मालूम होता है कि मोहब्बत के पहले मोर्चे के जरा तुमने फटका खाया है। भाई साहब तुमने एक छोटी सी बात की कमी है, जरा बैठना तो। वो मैं बताता हूँ, वो ये देखो साहब, मैं किसी को भी एडवाइस देता हूँ तो एक नारियल और 100 रुपया पहले रखवा लेता हूँ, लेकिन तुम मेरे यार हो इसलिए फ्री एडवाइस। मान लो कि तुम जिस लड़की को चाहते हो उसके घर में 4-5 आदमी बैठे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, यानी उसको मक्का लगा रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर आप वहां पहुंचे तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? है तुम ही बताओ। मैं बताऊं तो तुमको ये करना पड़ेगा कि चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाना होगा, उससे ये साबित होगा कि तुम्हें चाह है मगर लापरवाही भी है। फिर क्या हुआ? हंसने की बात नहीं, वो ये समझेगी कि तुमने चाह है मगर परवाह नहीं। समझा? अरे क्या कहा, समझे? तुम्हें यह भी साबित करना पड़ेगा कि तुम बहादुर हो लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह बेसहारा। मैं बहादुर हूं और एक बच्चे की तरह बेसहारा भी? वो कैसे? मान लो कि उसके घर में एक ऐसी खिड़की है कि कोई नहीं खोल सकता और तुमने एक ही घुसे के अंदर उस खिड़की का चूरा चूरा कर दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ में जख्म हो गया और तुम्हारे हाथ से खून बहने लगा, तो उस वक्त तुम क्या कहोगे? मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। डॉक्टर के पास चला जाऊंगा? अरे उस वक्त तुम्हें एक बेसहारा बच्चे की तरह उसे कहना पड़ेगा कि अब मैं कहां करूं, किथे जाऊं। फिर क्या? फिर वो 500 रुपए वाली साड़ी चर से फाड़ेगी और फिर से तुम्हारे जख्मों को पट्टी बांध देगी, फिर वो हमेशा के लिए बस तुम्हारी बन जाएगी। समझा? अरे क्या समझा, ये तुम्हें सब रखना पड़ेगा कि मैं बहादुर हूं लेकिन एक बेसहारा बच्चे की तरह, यानी मैं बहादुर हूं लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा हूं। मैं बहादुर हूं लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा। ऐसा बात? पीछे पीछे। मैं बहादुर हूं लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा बेसहारा हूं। और दूसरा है ना, हाँ, कि मुझ में चाह है लेकिन परवाह नहीं। मुझ में चाह है लेकिन परवाह नहीं। मैं बहादुर हूं लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा हूं। मैं बहादुर हूं लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा हूं। जान टली भाई, पिला पिला। पहला क्या था? अच्छा वो बच चाय कॉफी चाय है, मुझे चाय है, मुझे परवाह नहीं, मुझे चाय है, मुझे परवाह। मैं बहादुर लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा भी, मुझमें और मुझमें कॉफी कॉफी मुझमें चाह है, मुझमें चाह है मगर परवाह नहीं। मैं बहादुर हूँ लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा भी, मुझमें चाह है मगर परवाह नहीं। चाह है मगर परवाह नहीं। मैं बहादुर हूँ लेकिन एक बच्चे की तरह बेसहारा, मुझ में चाह है मगर परवाह नहीं। मैं बहादुर हूँ लेकिन आज वो दरवाजा खुला हुआ था। ओह,
अच्छा तशरीफ लाइए जी, बैठिए। अच्छा यहाँ और लोग भी तो आते होंगे? जी हाँ। अगर उस वक्त मैं उस कोने में चुपचाप बैठूं तो लोग ये समझेंगे कि आप मुझ में चाह है, मगर परवाह नहीं। देखती हूँ आप में चाह भी है और परवाह भी। नहीं नहीं, मुझ में चाह है मगर परवाह नहीं है। अच्छा इस कमरे में कोई ऐसी खिड़की नहीं है जिसका पल्ला नहीं खुलता हो? नहीं तो वो क्यों होगा? नहीं है? नहीं तो मुश्किल होगी। क्यों? सारा प्रोग्राम फेल हो गया। कैसा प्रोग्राम? देखिए ना, अब ना मेरे हाथ में चोट लगेगी और ना आप अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे हाथ में पत्ती बांधेंगे। ये बात है। अच्छा ये लीजिए, आप ही फाड़ लीजिए। ये 500 रुपए की है ना? हो सकता है। हो सकता है? हाँ। न जाने लोग मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? आपके भोलेपन पर, आपके सादगी पर। लेकिन यकीन मानिए, मेरी हंसी के पीछे हैरानी है कि आप कितने भोले हैं। मैं तुम्हें पहचान लिया है अरुण, सही पहचाना। I'm gonna make it.
लिखना सीखने में कितने दिन लगेंगे? पढ़ना नहीं चाहती क्या? नहीं तो पढ़ना बाद में सीख लूंगी, लिखना अभी सिखा दूंगा। किसी को चिट्ठी लिखनी है? नहीं तो शांति झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ नहीं बोलूंगी सनातन भैया, तुम तो जानते ही हो अरुण मुझसे मिले बिना ही चला गया। मुझे उससे बहुत सी बातें करनी थी पर एक भी न कर पाई, और सब उसके सामने कह भी तो ना पाऊंगी, इसीलिए तो चिट्ठी लिखना चाहती हूँ। सनातन भैया चिट्ठी का जवाब तो मिलेगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो बदल गया है और वो मुझे भूल गया। नहीं रे पगली, वो तुझे कैसे भूल सकता, तुम्हें तो उसकी प्रेरणा। ये क्या हुनिया बना रखा है, तुम तो बिल्कुल साहब बन गए। और ये मेन साहब, राम राम मेन साहब, मैं हूँ जोगेश्वर। ये कौन है रु? आप किसको ढूंढ रहे? जय बजरंग बली, तुमने मुझे नहीं पहचाना? साहब बनते ही आंखों पे पर्दे पड़ गए, शायद ऐसे ही होता है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, राम राम। चलो नहीं घर चलो। कौन था? कौन वो जिसे तुमने पहचान कर भी नहीं पहचाना? वो मेरे गांव के जोगेश्वर काका थे। ओ तो आज तुम अपने गांव के एक आदमी को नहीं पहचाने और कल तुम अपने घर वालों को भी भूल जाओगे, यही ना? तुम्हें अपनाने के लिए मैं सब कुछ भूल सकता हूँ कल्पना। क्या मेरे साथ मेरी जिंदगी के हर राज को हर दाग को अपना सकते? क्यों नहीं? नहीं अरुण, तुम मुझे अपना कर मुझ पर नाज नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरी शोहरत के पीछे मेरी गैरत की नीलामी है, और मेरी हर मुस्कुराहट के पीछे मेरे दिल की सौ सौ आंसू है। कभी मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई थी और उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं समाज के आंखों में गिरी। बस करो कल्पना, भगवान के लिए बस करो। बस तो तब हुआ रू जब समाज के वही लोग जो मुझ पर उंगलियां उठाते थे वो मेरे रूप के मेरी एक झूठी मुस्कुराहट के मोहताज हो गए। लेकिन इस जिंदगी से मैं बेजार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा कल्पना। सोच लो कहीं मुझे अपनाने के लिए तुम अपना के पराजय नहीं कर दोगे। वादा करो सत्यनारायण वंदे हम इति स्कंद पुराणे पंचम अध्याय समाप्त। इतनी बुखार में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इस घर में तुम सबके चरणों की धूल पड़े और मैं ना, और भगवान का प्रसाद भी तो लेना था। तेरा बापू नहीं है? नहीं। अच्छा क्या खबर? और मेरे बापू का हिस्सा? बापू का हिस्सा? अच्छा ये ले बापू का हिस्सा, मगर देख रास्ते में उठा दो देना। क्यों कल्याण, घर में कल्याण है ना? सब आपकी माया। कलयुग में हरि का नाम ही सच है। ये लो प्रसाद। जो जो ये बेटा और थोड़ा देते तो रात के भोजन से ही नहीं, क्यों नहीं, पेट भर के खाओ काका और जी भर के आशीर्वाद दो अरुण को। मेरे आशीर्वाद से अरुण का कुछ बनेगा बेटा, अब तो उसका भगवान ही कल्याण करे। क्या कह रहे हो? अभी हाल ही में मैं शहर गया था, अरुण से मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात कैसा है वो? बहुत दिनों से चिट्ठी विट्ठी नहीं मिली। अब उसे फुर्सत कहाँ बेटा, उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरुण ने
अपने जोगेश्वर काका को पहचाना ही नहीं। भला पहचानता कैसे, बदन में सूट, मुंह में सिगरेट, साथ में नए फैशन की परी। बेटा नए फैशन की परी। हाथ में सत्यनारायण का प्रसाद लेके झूठ नहीं बोल सकता। झूठ है देवर जी, बिल्कुल झूठ है। मेरा अरुण ऐसा नहीं कर सकता, मेरा अरुण ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा अरुण माँ दीदी माँ दीदी कुमार अरुण अभी तक नहीं आया रे। आ जाएगा माँ, तुम चिंता ना करो। कुमार माँ तुझे अरुण को चिट्ठी तो लिखती है ना? हाँ माँ, मैंने लिखती है, खूब ताकीद करके लिखती है। चिट्ठी मिलते ही वो फौरन चलाएगा। तुम सो जाओ माँ। क्या वो मेरे गुनाह को माफ कर सकेगी? तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो कल्पना, उसने सिर्फ माफ करना ही सिखा। वो मेरी माँ है। नहीं अरुण, वो हमारी माँ है। तो चुप क्यों हो गई माँ? कुछ तो बोल माँ। तुम्हें पाकर मैं इतनी खुश हूँ। जी चाहता है कि इस खुशी को साथ लेकर मर जाऊं, ताकि ये कभी कम ना हो। तुम्हें मरने को देगा? नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा माँ। एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। हम एक साथ मरेंगे। तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जा माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देख माँ, मेरी तरफ देख माँ, 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 क्या हो रहा? कहाँ जा रहा है? स्टूडियो आया, स्टूडियो जा रहा है। स्टूडियो? कुछ काम मिला क्या? काम वाम क्या मिलता? अगर ये कोट दो दिन के लिए मिल जाए, सबकी छुट्टी हो जाएगी। अभी बात? ये लो। अरे, very nice, very nice, thank you। अब बिलास कहाँ है? बिलास? वो नाना का परवाना आया था, चला गया। क्या बात है? सभी नजर छोड़ के दिल भी भरा नहीं, 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 नहीं। चला। बहुत गर्म। ये चिट्ठी का भाई? यही कोई पहुंची दोनों रे। क्यों, क्या बात है? मेरी माँ बहुत बीमार है। जय बजरंग। जरा सोचो कुमार, जिस अरुण के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसी ने तुम्हें भुला दिया। जय बजरंग, माँ को भी भुला दिया। क्या जमाना आया, जिस दिए की ज्योति से घर उजाला होने वाला था, उसी दिए ने घर को फूंक डाला। तो मैं अब चलूं। कुमार, मुझे अपना ही आदमी समझना, मुझसे तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। माँ, 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 अब माँ याद आई। अरुण, तुम मुझे भूल जाता, इस गांव को भूल जाता, इस खानदान को भूल जाता, कुछ नहीं कहता, लेकिन तू उस माँ को भूल गया जो तेरे लिए पेट पर खाना नहीं खाते, आंसू बहा बहा कर जिसके आंखों की नींद उड़ गई, तेरा ही नाम लेते लेते उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। नहीं अरुण, नहीं, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। खबरदार, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। अरुण, मेरे अच्छे भैया, मेरी एक बात का जवाब दे, सच सच बताना, और उस सच्चाई के खातिर मैं बड़ा भाई होकर तेरे पांव पकड़ के माफ मांग लूंगा, और उसके बाद जितना मर्जी तू मुझे मार देना, मेरे मुंह से भी खून बहा देना, सच बता,
क्या बात है भैया? जोगेश का कहाँ है? तेरे बारे में बहुत कुछ पता है। बोल, ये सब सच नहीं है। माँ की तस्वीर के सामने बोल, ये सच नहीं है। सच नहीं है ना? मैं जानता था ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अरुण देख, तू यहाँ ठहरना, मैं भी आ। शांति, वो आ गया। अरुण आ गया, अभी अरुण आ गया। मैं जानती हूँ, जोगेश्वर काका ने उसके बारे में जो कुछ कहा था सब झूठ है, सब झूठ है। मैं अभी उस झूठे को लेके आता हूँ। अरुण, अरुण तुम चार दिन पहले क्यों नहीं आए? मां बहुत ही बीमार रही क्या? ताई जी ने तुमको बहुत याद किया, बेहोश आता बस एक ही बात, अरुण कहाँ है, मेरा अरुण कहाँ है। ऐसे मालूम होता था जैसे जैसे उनके प्राण तुम में अटक गए हो। अरुण, अरुण सच पूछो तो जोगेश काका ने ही झूठ कहकर उनकी जान ले ली। बड़े भैया उसे लाने गए हैं। लाने का? हाँ अरुण, और जब वो आएगा तो तुम उसे कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना। शांति, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला सकते हैं? अभी यहाँ भी लाई, अभी आई। अरुण, मेरे आने की खबर पाकर शायद वो वापस चला गया होगा। कभी नहीं। अरुण, 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 जय बजरंग। अरुण, अरुण, अब मैं जाऊं कुमार? काका, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जोगेश्वर काका भले ही दूसरे की निंदा करे मगर झूठ कभी नहीं बोलता। मैं हार गया बाबूजी, मैं बिल्कुल हार गया, बेबस हो गया। मेहनत के बाद भी अगर फल न मिले, त्याग के बाद भी अगर तख्ती साथ न दे, सच्चाई के रास्ते पर भी अगर आदमी भटक जाए, तो तुम ही समझा दो बाबूजी मैं अपना वचन पूरा कैसे करूं। कर क्यों रे, ये मिठाई तू उसके लिए लाई है ना, मगर वो चला गया, चोर की तरह भाग गया, मेरे मुंह में कालक लगा के चला गया, मेरे मुंह में कालक लगा के चला गया। देख शांति, खबरदार, जो आज से उसका नाम मेरे सामने लिया, मैं नहीं जानना चाहता वो कहाँ है, किस तरह है, क्या कर रहा है, वो जिंदा है या? तू रो रही है? रो रही है ना? मैं भी बहुत रोया, बहुत रोया। याद रख, तू भी मेरी तरफ पछताएगी, मेरी तरफ पछताएगी। सुन, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। आज से उसको एक ढेला भी नहीं भेजूंगा, एक कौड़ी नहीं भेजूंगा, एक कभी नहीं भेजूंगा। तेरा आला भी धोखा था, तेरा आला भी धोखा।
का था तेरा जाना भी धोखा है मेरा दिल तो न मानेगा जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोखा था पाकर हर एक शय की तमन्ना छोड़ बैठे थे हमें अब ये न समझाना मोहब्बत एक तमाशा है मोहब्बत एक तमाशा है जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोखा था तेरा जाना भी धोखा है मेरा दिल तो न मानेगा जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोखा था दिल मेरा नहीं बदला नजर तेरी भी क्यों बदले मगर दुनिया तो कहती है यहाँ ऐसा भी होता है यहाँ ऐसा भी होता है जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोखा था तेरा जाना भी धोखा है मेरा दिल तो न मानेगा जो इन आँखों ने देखा है तेरा आना भी धोखा था कहाँ है वो चला गया अब देखना वो कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा क्यों बड़े भैया उससे बहुत नाराज है वो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते और कहते हैं कि उसे अब वो पैसे भी नहीं भेजेंगे अब तुम्हें बताओ सनातन भैया इतने बड़े शहर में पैसे के बिना कोई कैसे रह सकता है पगली कहीं भला कुमार कभी ऐसा कर सकता है वो तो गुस्से में कह गया होगा सनातन भैया तुम मेरा एक काम कर दोगे हाँ ये रुपए अरुण को भेज देना मगर ये मत लिखना कि ये रुपए मैंने दिए हैं फिर क्या लिखूं लिखना चाची के रुपए मेरे पास थे उसी में से दिए हूं ऐसा क्यों इसलिए कि अगर उसे मालूम हो गया कि ये रुपए मैंने दिए तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा और फिर कभी बात नहीं करेगा सनातन भैया क्या उसे कोई वापस नहीं ला सकता क्यों नहीं वो देख वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते प्रभु मुझ में भक्ति है या नहीं मैं नहीं जानती पर तुझे मेरी लाज रखनी पड़ेगी प्रभु मेरे अरुण को लौटा दे मेरे अरुण को लौटा दे प्रभु अरुण भैया गम को भूलने की कोशिश करो माँ बाप हमेशा साथ नहीं देते
मेरी तरफ देखो, मेरे पैदा होते मेरी माँ मर गई, बस मैं उसी वक्त रोया। उस वक्त तुम वाकई समझदार थे। बीच में क्यों टोकता है? उसके बाद मेरे बाप ने 3 शादियां की, फिर वो मेरी 3 माएं मर गईं। अगर मैं उनके लिए रोता तो मेरी आंखों में समुंदर की जरूरत पड़ती। इसमें हंसने की कोई बात नहीं। यहाँ कौन हंस रहा है? तो मेरे लिए तो घर का दरवाजा भी बंद हो गया बिलास भैया। अरे अरुण भैया, तुम बड़े नसीब वाले हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ घर का दरवाजा बंद हो गया। अरे भाई साहब, मेरे लिए दरवाजा तो दरवाजा, खिड़कियां भी बंद हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे घर से पैसे आएंगे ना? नहीं, थोड़े तो आएंगे ना? कुछ नहीं, ये तो मुसीबत हो गई। अरुण भैया, अरे अरे मेरी तरफ देखो, जैसे जैसे मेरे नाना के पैसे आने में कमी हो गई, उसी तरह मेरी ये लंबी पटलून आहिस्ते आहिस्ते शॉर्ट पैंट बन गई। थोड़े दिन में वो भी नहीं रहेगी। अरे तू जाता है कि नहीं? रहेगा बच्चा, जा। जाने वाले को जाना, चाले चाले चाले। आओ प्यारे, आओ प्यारे। आपकी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी है? मनियारा किसका है? अरुण कुमार का। ओह वेरी गुड। है अरुण कुमार का? कमाल है, तुम्हारे घर का दरवाजा बंद होने के बाद भी तुम्हें मनी ऑर्डर आता है, ये अपनी बात समझ में नहीं आए भाई। कितने रुपए भाई? 17। वेरी गुड। बहुत अच्छे मालकिन, प्राण बाबू आए, उनको जाने के लिए कह दो। बहुत अच्छे, आज तो मिलना ही होगा। क्या जाने मन, अब मेल मलाप में भी इतराज। आप फिर क्यों आए? बहुत अच्छे, कह तो दिया कि मिलने के लिए। मगर तुम कितने बदल गई हो। वक्त और सोहबत दोनों इंसान को बदल देते हैं। सोहबत तो हमारी भी बुरी नहीं थी। बुरी थी तब भी तो आपसे मिलने में इतराज है। ओ, तो मतलब ये है कि हम बुरे थे और कोई भला मिल गया है। जी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन बात दरअसल ये है जाने मन, कि इस रंग बदलती हुई दुनिया में हमने बहुत कुछ देखा है, मगर खुदा की कसम तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, अब आपको वाकई पता चल जाएगा कि मुझसे नहीं देखा। बहुत अच्छे। लेकिन जाने मन, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा। खैर छोड़ो इस बात। हाँ तो ये बताओ कि वो तुम्हारे अरुण कुमार कब तशरीफ लाने वाले हैं? क्या उन्हें ये मालूम है कि कभी हमारे तुम्हारे काफी गहरे ताल्लुकात थे? जी हाँ। बहुत अच्छे। और उन्हें ये भी मालूम है कि मैं एक अच्छे खानदान की लड़की हूं। एक दिन आपसे शादी करने का सपना भी देखा था और आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया था। प्राण बाबू, आपने एक खेल खेला था जिसे मैं अपनी जिंदगी समझी थी, और यही मेरी भूल थी जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, तारीफ करने वाले लोग, मगर मन की शांति नहीं। मिल जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन जाने मन, देहाती अरुण की आंखों में नहीं बल्कि शहरी प्राण की बाहों में। प्राण बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके हाथों का खिलौना नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बनकर जीऊंगी। बहुत अच्छा। जिंदगी की रौनक बन सकती हो, जिंदगी नहीं। आप इसी वक्त यहां से चले जाइए। जाता हूं, लेकिन जाने से पहले इस उलझी हुई को और सुलझा जाना चाहता हूं। जानती हो, जब चांद ग्रहण होता है तो दुनिया चांद को नहीं ग्रहण को देखती है, ग्रहण की बातें करती है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में जब एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो लोग दाग को देखते हैं, दाग की बातें करते हैं, इंसान की नहीं। नाचीज की बातों पर गौर जरूर फरमाइएगा। आदाब है। बहुत अच्छे तुम्हें अरुण कुमार होगा खुरदार जी। मैंने आपको पहचान जाओगे। मुझे प्राण कहते हैं, कल्पना का प्राण जी। अजी वैसे तो मैं बहुत मामूली सा आदमी हूं, लेकिन वो जो बालकनी जहां खड़े होकर तुम मेरी कल्पना से मोहब्बत की बातें करते हो, ये सोफा सेट जहां बैठकर अक्सर तुम चाय पीते हो,
ये राइटिंग टेबल, ये टेलीफोन, वर्दी, किस मकान की हर एक शय इस नाचीज के पैसों से खरीदी गई। किसी जमाने में कल्पना के मुझसे काफी गहरे ताल्लुकात थे। खाकसार की बातों का बुरा नहीं मानिएगा। अरुण, तुम कहाँ चले गए थे? गाँव। गाँव? माता जी ने क्या कहा? क्या उन्हें? उनकी आत्मा को शांति मिले कल्पना, मरते दम तक वो मेरा इंतजार करती रही। क्या? और तुम्हें कोई खबर तक नहीं मिली? नहीं, तार आकर हॉस्टल में पड़ा रहा और मैं और तुम मेरे पास थे, यही ना कल्पना? आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे। तुम्हें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है अरुण, तुम वापस चले जाओ। ये क्या कह रही हो कल्पना? मैं ठीक कह रही हूँ। आज तुम मेरी वजह से अपनी देवी जैसी माँ को आखिरी वक्त मिल ना सके, कल तुम्हें अपने बड़े भाई से दूर हट जाना पड़ेगा, और हो सकता है एक दिन समाज भी तुम्हें नफरत की निगाह से देखने लगे, सिर्फ मेरे लिए। नहीं अरुण, तुम वापस चले जाओ, अपनी भलाई के लिए वापस चले जाओ। क्या तुम मेरी भलाई के लिए सब कुछ कह रही हो? हाँ। और ये प्राण साहब कौन है? अभी तक सोच रही थी तुम्हें त्यागू या नहीं, लेकिन अब देख रही हूँ तुम्हें त्याग नहीं पड़ेगा। मतलब? तुम मेरी जिंदगी के हर पहलू को जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। अरुण, सोचा था तुम्हें लेकर जो संसार बसाऊंगी उसमें चैन होगा, ममता होगी, विश्वास रहेगा, मगर संदेह नहीं। लेकिन ये मेरी भूल थी, तुम्हारा मन कितना ओछा है। जा और फिर कभी मत आना। अब क्या यार, क्या विश्वास रखने पर भी और से धोखा दे सकती है? हाँ दे सकती है। हैं? हाँ हाँ दे सकती है। अच्छा तुम कल्पना के बारे में कह रहे हो? तो डेफिनेटली दे सकती है, देते आई है और देती रहेगी, फंसने की बात नहीं है मेरे दोस्त। उसने प्राण को धोखा दिया तो तुमने उसे पाया, अब तुम उसे छोड़ रहे हो, कल और कौन से पाएगा? और मेरे दोस्त, हम दोनों गले में हाथ डालकर रात भर रोए और सुबह शहर में ढंडोरा पीटे और ढूंढे कि उसे किस किसने खोकर पाया और किसने पापा कर खोया। नहीं, मैं ऐसा नहीं खो सकता, मैं उससे बिछड़ कर। दोस्तों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। कौन है? विलास कुमार, आओ यार। अरे ये क्या उंगलियां बना रखा है? अरुण कहाँ है? अरुण अरुण ठीक है यार, ठीक है। विलास तुम जरूर मुझसे कुछ पा रहे हो? बताओ बताओ अरुण कहाँ है, बोलते क्यों नहीं? कुमार, अरुण के बारे में मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो सुनकर दुख होगा। दुख? यहाँ आने के बाद अरुण ने आज तक जो कुछ भी किया उससे हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए मैं आज सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। विलास बोल, वो कहाँ है? बोल, मैं हाथ जोड़ता हूँ। विलास कुमार, मुझे उसका पता नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 15 वाटरफील्ड रोड फ्लैट नंबर 7 मैडम कल्पना के यहाँ मिल सकता है। 15 वाटरफील्ड रोड फ्लैट नंबर 7, शुक्रिया। गुलाम का ये नाचीज तो तुम्हारे लिए लिखा है जाने मन, यकीन जानो इससे तुम दुनिया की हर नेमत खरीद सकती हो, खुशियाँ, इज्जत, ऐशो आराम। बस कर दो। ओ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही हो। देखो देखो, जरूर देखो, लेकिन जाने मन हसीन ख्वाब अक्सर पूरे नहीं हुआ करते, और अगर तुम्हें ऐसा हुआ तो दिल थाम कर बैठने की बजाय ये चीज तुम्हारा साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। कैसा ख्वाब? यही कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर होगा और आप। मैं सामने खड़ा हूँ, लेकिन जाने मन ये ऐसी ख्वाब भी आपका पूरा नहीं होगा। पसंद आई होगी, जरा संभाल कर रखना, भरा हुआ है। बहुत अच्छी आधा मर्दे पर खुरदार। तो कल्पना प्राण बाबू मेरा चेक उधर निकाल लीजिए ये। अच्छा तो अभी जाकर फिर कब आएगा? अब तो आना जाना रहेगा ही। कल्पना तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज तुम ही धोखा दे रही हो। क्या तुम 1,00,000 रुपए का चेक दे सकते हो? तुम इतनी नीच हो, इतनी कमीनी हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ, मैं नीच हूँ, मैं कमीनी हूँ, सारी दुनिया मुझे यही कहकर पुकारती है। मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत कमीनी हूँ। बहुत अच्छे, चेक लेकर तुमने मुझे धोखा दिया, चेक दिखाकर तुमने अरुण को धोखा दिया, चेक फाड़ कर तुमने अपने आप को धोखा दिया और अब आंसू बहाकर सारे समाज को धोखा देना चाहती हो। कौन सा समाज प्राण बाबू? जिसके ठेकेदार आप जैसे लोग हैं? मगर याद रखिए, जिस समाज में आपकी इज्जत है उसके सामने मैं आपके सारे गुनाहों का पर्दाफाश कर दूंगी। बहुत अच्छे, लेकिन किस मुंह से कहोगी ये कहकर कि तुम मेरी जरखरीद औरत के सिवा कुछ भी नहीं थी? बहुत अच्छी, कलाई में मोज तो नहीं आ गई, लेकिन ये तमाचा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा जाने में। कल्पना मुझे माफ कर दो। कल्पना शीशा एक बार टूट जाता है और तुम जुड़ नहीं सकता, तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। कल्पना, कल्पना तुम्हारे दामन के सिवा मेरा कोई साया नहीं। शाबाश, शाबाश। ओ रोशन क्या खानदान का नाम। भैया, भैया कौन है तेरा भैया? तेरा भैया मर चुका। वरुण, अगर तू अपने पाप के नशे में मुझे जान से भी मार डालता तो मैं उफ नहीं करता, लेकिन खानदान के नाम पर कालिक पोतने का तुझे कौन सा दिखा था? मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। ये तो मैं सिर्फ अपने भगवान से ही पूछूंगा कि जिस औरत का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा उसने मेरे घर में आग क्यों लगाई, क्यों मेरे घर में आग लगाई? परवाने क्षमा पर जल जाते हैं, लोग क्षमा को क्यों दोष देते? कल्पना मैं क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें छोड़कर मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आज तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा कल्पना। तुम जा सकते हो अरुण। कल्पना, रिवॉल्वर रख दो अरुण, भरा हुआ है। जानता हूं अरुण, आज परवाने के साथ क्षमा को भी जलकर राख होना पड़ेगा। परवाने जलते ही रहेंगे लेकिन क्षमा का कुछ नहीं। ये बात है, रिवॉल्वर रख दो। ये क्या अरुण? मुझे कागज दो, कागज दो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लिख सको मैंने खुद कुछ अरुण, ये तुमने क्या किया? अरुण चल चल मेरे साथ भैया, चल। Thank you.
मैंने तुझे कहा था ना कि मैं अरुण को वापस लेकर ही आऊंगा, देख ले आया हूं। ये मत पूछना कि ये कहां था, कैसा था और कैसे ले आया हूं। बस ले आया हूं, अब तू ही से संभाल, मुझसे नहीं संभाल। भैया बस चुप रह, देख शांति, अगर तू इसे बांध के रख सकी ना तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत ही बड़ा एहसान होगा। अच्छा तू लोग ये भैया भैया भैया, भैया। ये सब क्या है, खून को कितने दिन हो चुके, अभी तक आप खूनी का पता तक नहीं लगा सके। जी हम लोग की पूरी कोशिश चल रही है। कोशिश चल रही है, कम से कम इतना तो पता लगाइए कि कल्पना देवी के पास कौन कौन से लोग जाया करते थे। यस सर। तेरे बंद करके कहा चलेंगे तो भैया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया। देखो तुझे याद है ना, मैंने बाबू जी को वचन दिया था कि तुझे एक सही इंसान बना के छोड़ूंगा, और उसके लिए कई बार मैंने तुझे दंड दिया, आज भी। मगर भैया इस अपराध का दंड तुम नहीं, कानून देगा, मुझे छोड़ दो, गिरफ्तार कर दो भैया। सर हाँ, गिरफ्तारी का इंतजाम किया गया है, चल आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे गिरफ्तार कराऊंगा, रुकावट तो नहीं डालेगा तू, कभी नहीं भैया। वादा वादा भैया। चल ये शहनाई कहां बज रही है भैया? किसी के अरमान पूरे हुए होंगे, किसी के सपने सच होने का समय आया होगा। चल चल चल। काकी आप बेटा, ये लो काकी, बाबूजी की अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। कैसे उल्टी उल्टी बात करे आज से अरुण और शांति की देखभाल तो तुम्हें करनी है। नहीं काका, अब शांति की देखभाल ये करेगा। हाँ ये तो करेगा, मगर बड़े भाई का आशीर्वाद तो हमेशा चाहेगा। अरे वाह काका, तुमने तो सब तैयारी कर डाले, अब मुझे भी तैयारी करनी है। भैया अब क्या हुआ काकी, इसे ले जाओ। हाँ लेकिन भैया वो मुहूर्त निकला जा रहा है अरुण काका। आओ अरुण, आओ बैठ जा, आओ क्या आप ही मिस्टर कुमार हैं? जी हाँ। ओ आपकी चिट्ठी मिली। हाँ तैयार है? हाँ क्या आप मुझे दो मिनट की मोहलत दे सकते हैं? जरूर जरूर। शुक्रिया। दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जा, आंसू किसी के लेके खुशियाँ लुटाए जा, दुनिया में आया है तू फूलों में आज होता तेरा भी आशियाँ, अब तेरी आरज़ू तो बन गई दास्तां, बन गई दास्तां, बुझ गई शमा तेरी किसकी जलाए जा, आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जा, दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जा, आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जा, दुनिया में आया है तू। अब आ रहे हैं आप, जानते हैं कितने बजे? ठीक 6:15 साढ़े 10 सेकेंड। मैंने कि सिनेमा जाने का प्रोग्राम आप बिल्कुल ही भूल गए। ओह आई एम सो सॉरी प्रभा, कल्पना मैडम के मेरे सबूत कर दिया गया, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। तो क्या पकड़ा गया खूनी? यही तो इसी केस की अजीब बात है, खूनी ने खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, उसने अपने भाई को बचाने के लिए कल्पना का मर्डर किया। तब तो काफी होशियार मालूम होता है। ऐसे दलीलें देकर वो कानून की नजर में अपने लिए हमदर्दी पैदा करना चाहता। उसका बयान सच भी तो हो सकता है। सच हो या झूठ, ऐसे आदमी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे। लेकिन वो आदमी ऐसा तो नहीं हो सकता, वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान है, ये देखो उसकी तस्वीर। जैसे किसी के सूरत पर ही तो लिखा होता है, ये देखो ना। मैंने गलत कहा था,
भगवान जिसे ऐसी सूरत थी उसकी सीरत कभी नहीं बिगाड़ता, कभी नहीं बिगाड़ता, कभी नहीं। लेकिन प्रभा, मेरा दिल गवाही देता है कि वो आप ही निर्दोष है। दिल की गवाही एक अजनबी के लिए? अजनबी हाँ। लेकिन लेकिन जैसे भी हो आप उसे बचा लीजिए। मेरी समझ में नहीं आता ये गैर आदमी के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो गैर है, अनजान है, मगर एक इंसान है। और एक इंसान इसके नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, जिस तरह भी हो आपको उसे बचाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, आपकी जोरदार तकरीर की दाद देता हूँ। और खास तौर पर एक अनजान आदमी की जान बचाने के लिए जो पैरवी आपने की है वो बेमिसाल है। ए भैया, कभी कभार भाभी की भी राय ले लिया करो इन कानूनी मामलों में। अरे अपनी भाभी की बात पूछो ही नहीं, अभी अभी दो मिनट पहले कह रही थी ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अब जान बचाने के लिए कह रही है यही ना। आहा, क्या मुखड़ा है जालिम का, चश्मे बद्दूर। क्यों भाभी? भैया मुझे मजाक बिल्कुल पसंद है। बहुत अच्छे भाभी, अब तुम्हें बताओ भैया कि आखिर भाभी से मजाक ना करूं तो किससे करूं? सड़क पर किसी अरा वगैरह से मजाक कर बैठा तो इतने जूते पड़ेंगे कि चंदिया पर एक बाल भी नहीं रहेगा। तुम कैसे कह रही? अस्त में हो क्या गया है प्रभा? मुझे कुछ भी तो नहीं। ये केस, मेरा मतलब है तुम्हारे घर का केस काफी पेचीदा मालूम होता है, सुलझाने के लिए किसी सबूत और पैरवी की भी जरूरत नहीं। खुश रहो अले वतन, हम तो चलते। प्राण, इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय? बहुत अच्छे भैया, वकील तुम हो और राय पूछ रहे हो इस नाकेस की? नहीं, कल्पना तुम्हारी सोसाइटी में घूमती फिरती थी। अब मेरे ख्याल में मामला तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि खूनी ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। मैंने सुना है कि बहुत दिनों से कल्पना एक देहाती की मोहब्बत में सुदबुद खो बैठी थी, शायद इसलिए उसके भाई ने उसका खून कर दिया। हरगिज़ नहीं। बहुत अच्छे, मेरा मतलब है भाभी की ये बात तो तुम जानो, भैया जाने या अदालत जाने, मैं तो परदेसी हूं। योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आज अदालत के सामने जो मुकदमा दरपेश है वो अजीब और गरीब है, इसलिए कि खूनी ने खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। मुजरिम एक नए खानदान का शरीफ और पढ़ा लिखा नौजवान, पुलिस को दिए गए अपने बयान के मुताबिक उसने अपने भाई को बचाने के लिए महरूमा कल्पना का खून कर दिया। उस कल्पना का जिसके चार चरण का कोई इकबाल नहीं किया जा सकता। योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द जूरी, मैं इस मोहतरम अदालत से पूछना चाहता हूं कि अपने भाई की भलाई और बेहतरी के लिए या अपने पिता को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए क्या किसी इंसान को यह हक पहुंचता है कि वो एक मासूम जान को हलाक कर दे, कानून को अपने हाथ में ले ले? नहीं हरगिज़। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर की रात को 9:30 बजे मुजरिम कुमार ने पूरे होश और हवास में जानबूझकर इरादत कल्पना का खून, यह झूठ, यह बिल्कुल झूठ है। कल्पना का खून मैंने किया। आप कौन हैं? मेरा नाम अरुण कुमार है योर ऑनर, ये मेरे बड़े भाई हैं। मुझे बचाने के लिए इन्होंने मेरा इल्जाम अपने सर लिया। इसकी बात मत सुनिए योर ऑनर, इसकी बात मत सुनिए, ये नादान है, अपने बड़े भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहता है। गुनहगार मैं हूँ योर ऑनर, कल्पना का खून मैंने किया है। मैं तो फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूँ, फैसला कीजिए योर ऑनर। मिस्टर कुमार, आप अपने बचाव के लिए खुद पैरवी करना चाहते हैं या किसी वकील को मुकर्रर करना चाहते हैं? जी नहीं योर ऑनर, मैं अपने बचाव के लिए कोई पैरवी नहीं करना चाहता। योर ऑनर, मैं इनकी पैरवी करना चाहता हूं। आपको पैरवी करने की इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, मुकदमा काफी तेजी से नजर आता है, इसलिए मैं केस स्टडी करने के लिए अगला से चंद दिनों की मोहलत चाहता हूं। मुकदमा 5 दिसंबर के लिए मुलतवी किया जाता है। पति के खिलाफ एक खूनी के बचाव के लिए वकील मुकर्रर करना और फिर उसी से जेल में मिलने आना, यह अन्याय है प्रभा। काश मैं ऐसा अन्याय हमेशा कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ सच्चाई का साथ देने कोई अन्याय नहीं, और सच्चाई तो वो है कि खून मैंने किया। नहीं नहीं, ये झूठ है कुमार, ये झूठ है। मैं तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे दिल को जानती हूँ। अपने आप को संभालो प्रभा, जज्बात के सैलाब में फर्ज का बांध अगर टूट गया तो शादी शुदा और समुंदर की तरह होती,
जिसमें ज्वार तोड़ता लेकिन जो छलकता नहीं, भगवान साक्षी है मैं निष्पाप मन से तुम्हारे पास आई हूं, और वो ये भी जानता है कि तुम निर्दोष हो पुनः, तुम निर्दोष हो। किसी गैर के लिए आंसू बहाना, हाँ, आज हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर है, हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन कुमार मैं तुम्हें बीते हुए कल का वास्ता देती, क्या क्या तुम मुझे भी सच नहीं बताओगे? सच तो वही है जो मैं अदालत में कह चुका हूँ। नहीं, तुम अपने अरमानों का खून कर सकते हो, लेकिन किसी का खून करके तुम खुद नहीं खूनी बन सकते। देर हो गई, अब तू जा प्रभा। जाती हूँ, लेकिन कुमार मैं तुम्हें इस तरह आत्महत्या नहीं करने दूंगी, तुम चाहो तो भी नहीं करने दूंगी। प्रभा, तुम एक सरकारी वकील की पत्नी हो, एक मामूली खूनी को बचाने के लिए वकील मुकर्रर करना क्या तुम्हारे लिए ठीक है? नहीं, वो खूनी नहीं हो सकती। ऐसे तो न जाने कितने लोग हैं, उनके लिए तुम्हारा दिल गवाही क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूं वो देवता है। एक जमाना था जब वो यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल स्टूडेंट थे, सबको उनसे बड़ी बड़ी आशाएं थी, शहर के ग्रेस और नामी घराने की लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना सुनहरा भविष्य त्याग कर दिया, और जिस लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली थी, जिससे उन्हें प्रेम था, उसे भी छोड़कर गांव चले गए, और उस लड़की की शादी एक सरकारी वकील से हो गई। उनके लिए मेरी श्रद्धा को गलत मत समझिए, ये वो दास्तान है जो मैं कब से भूल चुकी हूं। आप मेरे देवता हैं, आपके चरणों की सौगंध खा के कैसे मुझ पर विश्वास? नहीं प्रभा, विश्वास को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भगवान करे कुमार बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करना है। मिस्टर अरुण, आपने गीता पर हाथ रखकर कसम ली है कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सिर्फ सच कहेंगे। जी, कल्पना का खून मैंने ही किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खून एक हुआ है, और खूनी दो शख्स हैं, आप और आपके भाई। खून एक ही हुआ है और खूनी भी एक, और वो मैं हूं। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताने के लिए जुर्म अपने ऊपर लिया है। अरुण, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कल्पना का खून क्यों किया? उसने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया, वो मेरी जिंदगी से खेलने लगी थी। ओ, इसलिए आपने स्टैश में आकर पिस्तौल निकाली, और जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रही थी आपने उसकी जिंदगी के खेल को खत्म कर दिया। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त गवाह के जज्बात पर दबाव डालकर अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, गवाह अरुण का बयान बहुत गलत है, उसे साफ जाहिर होता है कि कल्पना की बेवफाई से तंग आकर अरुण ने कल्पना का खून कर दिया। अपने छोटे भाई को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए मिस्टर कुमार ने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। लिहाजा मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि एक बेगुनाह भाई को, एक बेकसूर भाई को कसूरवार भाई की जगह सजा मिलने से बचाना चाहिए। That's all your honor. The witness is yours, Mr. Mathur. Mr. Arun Kumar, क्या आप बता सकते हैं वो पिस्तौल कहाँ है जिससे आपने कल्पना का खून किया था? जी, मुझे याद नहीं। आपने कभी जिंदगी में पिस्तौल चलाई थी? जी, उस रात पहली और आखिरी बार। आप निशाना लगा सकते हैं? जी नहीं। मिलोर, गवाह के बयान पर गौर कीजिए, और गौर कीजिए मुलजिम कुमार के उस बयान पर जो उसने पुलिस को दिया है, जिसमें उसने कबूल किया है कि बंदूक चलाने का उसे पुराना शौक है, और वारदात की रात को उसने किसी की पिस्तौल चुराकर कल्पना का खून किया।
योर ऑनर, सरकारी वकील ने बिल्कुल बेबुनियाद दलील पेश की। गवाह दरअसल अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत का इजहार करके अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहा है। मेरा कहना है कि मिस्टर कुमार को बरी करके मुकदमा आरंभ पर चलाया जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, ऐसा मत सोचिए, ये इंसाफ के साथ बेइंसाफी होगी। मेरा यकीन कीजिए योर ऑनर, मैंने पुलिस को जो कुछ बयान किया उसका एक एक लफ्ज सही है। गुनहगार मैं हूं, मुजरिम मैं हूं, कल्पना का खून मैंने किया, मैंने, क्योंकि क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था कि अरुण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। वही मैंने किया योर ऑनर, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, उसका घर बसाया। इसीलिए जो उसके खुशियों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रही थी, उस औरत को मैंने हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये नादान अपने बड़े भाई के फर्ज को एहसान समझकर उसका बदला चुकाना चाहता है, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। ये कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है योर ऑनर। जज साहब इंसाफ कीजिए प्लीज, सजा का हकदार मैं हूं, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए योर ऑनर, मुझे सजा दीजिए। अरुण, तू नहीं जानता रे, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है, मेरा सपना है, मेरा सब कुछ है। मैंने तुझे बचाने की सौगंध खाई है और मैं तुझे बचा कर ही रहूंगा भैया। बस बस बस, तू यही चाहता है ना कि जो सजा मुझे मिल रही है वो तू अपने हाथ पर ले ले। हाँ भैया, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या भैया? वो यही है कि जितने दिन मैं सलाखों के पीछे बंद रहूं, तुझे बराबर एहसास है कि तूने आज तक जो कुछ नादानी में किया सब कुछ गलत है। तुझे पछतावा रहे, ताकि वही पछतावा तुझे एक दिन सही इंसान बना सके। तुम कुछ भी कहो भैया, मेरी जुबान पे मोह नहीं लगा सकता। इस अंधेरी कोठरी में मैं तुम्हें अपना जीवन कभी नहीं बिताने दूंगा भैया, कभी नहीं बिताने दूंगा। अरुण, अपना वचन पूरा करने में मुझे जो सुख और संतोष मिलने वाला है तो वो भी मुझसे छीन लेना चाहता है। देख अरुण, अगर आज तू अपनी नादानी में कुछ भी कर बैठा तो उसका फल तुझे नहीं, मुझे नहीं, इस मासूम को भुगतना पड़ेगा जिसका कोई कसूर नहीं। इसके सुहाग पर आ जाएगी अरुण, और इसका सुहाग मेरी अमानत है, इसके सुहाग मेरी अमानत है अरुण। अरुण देख, वो देख, भगवान का आशीष उजाला बनकर इस अंधेरी कोठरी में आ रहा है। ये उजाला हम सबके जीवन का उजाला है, सबके जीवन का उजाला है। शांति, माफ करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है रे, मेरे भाई को माफ कर देना। शांति, रोते नहीं, रोते नहीं, देख मेरी तरफ देख, देख। अरे पगली, तू घबराते क्यों है? देखते देखते ये दिन भी बीत जाएंगे, एक दिन आएगा जब मैं इस जेल से बाहर आ जाऊंगा, मगर उस वक्त तेरा ये बड़ा भैया जवान नहीं रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा और उसे सहारे की जरूरत भी पड़ेगी। और जानती है उस वक्त मुझे सहारा कौन देगा? तुम दोनों और एक और भी, तुम दोनों के प्यार का एक नन्ना सा फूल जिसे मैं सीने से लगा के बड़ा करूंगा। और उस वक्त मां और बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी, माँ और बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे माँ और बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। कहो, मैं गीता से हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं झूठ कहूंगा? जो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तुमसे जैसा कहा जाए वैसा करो, ये अदालत है घर नहीं। अच्छी बात है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा। पूछिए मिस्टर विलास। ओह हाँ, आप पूछिए, बोलिए। आप मुजरिम कुमार को पहचानते हैं? हाँ हाँ, अरे वाह, वो तो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। मैं क्या बताऊं साहब, हम लोग दोनों साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। हंसने की बात नहीं, वो हर साल पास होता था और मैं फेल होता था। मिस्टर विलास, सॉरी सॉरी सर। क्या अरुण कल्पना के यहाँ अक्सर जाता था? बिलाना का विदाउट फेल, कल्पना के बगैर तो वो जी नहीं सकता था। हंसने की बात नहीं साहब, वो दिन रात कल्पना की याद में ठंडी आंखें और गरम सांसें भरा करता था। सॉरी। क्या आपने कुमार को अरुण और कल्पना के ताल्लुकात के बारे में कुछ बताया था? झूठ क्यों बोलो साहब, बताया था। क्या बताया? यही कि कल्पना की वजह से अरुण को हॉस्टल से निकाला गया। फिर क्या कहा? कुमार अरुण को फोन मिलना चाहता था। फिर मैंने उसे कल्पना का पता बता दिया। फिर अरे साहब, मैं फिर से तंग आ गया हूँ।
आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। मिस्टर बिलास, जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब दो। पूछिए। कल्पना का पता मालूम होने पर कुमार ने क्या कहा? कुमार ने कहा कि अरुण को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और क्या? आप मुझे डांटते क्यों हैं वकील साहब? आप मुझसे यही कहलाना चाहते हैं ना कि कुमार खूनी है, खून किया है। अच्छा मान लीजिए कि उसने खून किया, लेकिन आप उसे बचा सकते हैं, आप बड़े वकील साहब हैं। मैं दिल से कहता हूँ वकील साहब कि वो खूनी नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। मैं कहता हूँ उसे आप बचा सकते हैं। That's all, Your Honor. The witness is yours, Mr. Sharma. Your Honor, prosecution witness की गवाही मेरे में वकील के हक में है, इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता। आशा देवी, आप कल्पना के यहाँ कब से काम कर रही हैं? 4-5 साल से। ये बताइए, वहाँ ज्यादातर कौन कौन लोग आया करते थे? इन दिनों में तो अरुण बाबू ही ज्यादा आया करते। क्या अरुण का कल्पना से कभी झगड़ा हुआ? जी नहीं, मालकम से उनकी शादी करना चाहते थे। शादी की बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? औरत औरत से ही दिल की बात कहती है सबका। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं सामान लेने बाजार गई थी। वापस आने के बाद तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि मालकन मरी पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। वहाँ और कोई मौजूद था? जी नहीं, मगर मगर क्या? कमरे में आने से पहले उनको देखा था। सिर्फ इन्हें? इनके साथ और कोई था? जी नहीं, वो अकेले थे, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल था। जूरी की राय को मद्देनजर रखते हुए और कानून के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मुलजिम कुमार ने जानबूझकर पूरे होशो हवास में इरादतन कल्पना देवी का खून किया, लिहाजा मैं मुलजिम को सजाए मौत तजवीज करता हूं। मैं आपसे पूछती हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? कुर्बानी करने वाले खुद कुर्बान होना पड़े। लेकिन आप तो तुम्हारे वकील को भी भरोसा हो गया होगा। लेकिन मुझे नहीं, आप वकील हो, गवाही और सबूत ही सब कुछ है। एक इंसान की इंसानियत की, उसकी सच्चाई ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि कुमार जैसे इंसान कभी हैवानियत के दर्जे तक नहीं गिर सकते। लेकिन ये सब तो जज्बात की बात है प्रभा। नहीं सुनिए, कल्पना के पास कितने लोग जाते थे, उनमें से कोई भी उसका दुश्मन हो सकता है, कोई भी उसका खून कर सकता है। अरे भाभी, तुम यहाँ इतनी रात गए? हाँ, मैं इसलिए आई हूँ भैया कि अब किसी की जान बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ है। किसी की जान तो भैया ने ली है, मेरा मतलब है तुम्हारे पति देव ने। कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम चाहो तो उनकी जान जरूर बचा सकते हो। हाय हाय, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। भाभी, कल्पना के खून के लिए और तुम्हारे दिल के खून के लिए कुमार को एक नहीं दो दो फांसी लगनी चाहिए। और मेरी राय में फांसी लगनी चाहिए तुम्हें। तो क्या असली खून तुम हो? भाभी, भैया भी देखो कैसा मजाक करते हैं, ये बचपन से ही ऐसा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। इस तस्वीर से मतलब बिल्कुल साफ है। भैया, चंद तस्वीर बुता चंद हसीनों के खतूत, मरने के बाद तो अपने घर से यही सामान निकलेगा। अब बाकी रही ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें तो अपने घर के हर कोने में दर्जनों पड़ी हुई हैं। और ऐसे रिवॉल्वर? सिर्फ एक ही, और सिर्फ इसी एक ही रिवॉल्वर से तुमने कल्पना का खून किया। बहुत अच्छे, बगैर किसी सबूत के सरकारी वकील इस नतीजे पर पहुंचे। वाह, नतीजे पर पहुंचे हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, और आगे की कार्रवाई मेरे हाथ, आगे की कार्रवाई मेरे हाथ में, समझे? ऐसी गलती ना करना। एक खून के लिए सिर्फ एक शख्स को फांसी लग सकती है, इसलिए चंद घंटे के लिए आप दोनों मेरे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी का फर्ज मैं अदा करूंगा, समझे? बहुत थोड़ा वक्त रह गया जेलर साहब,
क्या मैं आखिरी बार अपने भाई से? वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते अरविंद बाबू। तो मुझे इनसे मिलने की इजाजत दीजिए जेलर साहब। लेकिन ये गैर कानूनी है। कानून? कैसा कानून? एक बेगुनाह इंसान फांसी पे चढ़ा दिया जाए और असली खुली आजाद कर दिया जाए, बोलिए ये कैसा कानून? जवाब दीजिए जेलर साहब, जवाब दीजिए। इसका जवाब अदालत दे चुकी है अरविंद बाबू, मुझे माफ कीजिएगा। वक्त हो गया कुमार बाबू। आपके भाई आपसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान है। क्या आखिरी बार भी आप? नहीं जेलर, नहीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे शुभ घड़ी है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त पर मैं किसी के आंसू देखूं। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश? हाँ हाँ जेलर, एक है। वो क्या? जब मैं फांसी के तख्त पर जाऊं तो मेरे कानों में ये पवित्र श्लोक गूंजता रहे, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम अंतव पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। बात है मिस्टर माथुर? यह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, उन्होंने मिस्टर कुमार को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और असली खूनी को हिरासत में ले लिया गया है। मिस्टर कुमार आपको रिहा किया जाता है? हाँ हाँ, आपको बाइज्जत रिहा किया जाता है। दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जाओ, आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जाओ। आंसू किसी के लेके खुशियां लुटाए जाओ, दुनिया में आया है तू।